बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। इस्लामाबाद स्टूडियो से मुझे ज्वाइन करेंगे मुजीब रहमान शामी साहब। आज ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी के एक वफ्द की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात हुई इस्लामाबाद में, और चंद घंटे पहले इस मुलाकात से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। लेकिन दीगर मौजूदात का भी आपको बताते चलें। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल आपको याद होगा, इसमें शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया गया, आज उन्हें एहतसाब अदालत में पेश किया गया। 14 रोज़ा मजीद जिस्मानी रिमांड उनका दे दिया गया है नैब हुकाम को, लेकिन 2 रोज़ के लिए उनके प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी कर देंगे, जिसका मतलब ये होगा कि वो कौमी असम्बली का जो कल से शुरू होने वाला इजलास है उसमें शरीक हो सकेंगे। आज लेकिन एहतसाब अदालत में उन्होंने क्या गुफ्तगू की मौजूद जज साहब के सामने, और वकला ने क्या गुफ्तगू की जो नैब की जानब से पेश हुए, ये अहम नुकता है जिस पर हम गौर करेंगे। फिर इसके साथ साथ आज पंजाब में 8 माह के लिए जो बजट है वो पेश किया गया है। बजट तकरीर जो थी सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना हाशिम जमा बख्श साहब की, वो बिल्कुल नहीं सुनाई दे पा रही थी। वजह यह थी कि अपोजिशन ने शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के मामले को जवाब बनाकर खूब हंगामा किया, ईवान सर पर उठाए रखा और सीढ़ियों पर भी जाकर एहतजाज किया, हुकूमत वक्त के खिलाफ नारेबाजी की और इमरान खान साहब के खिलाफ भी नारेबाजी की अपोजिशन ने आज के इस इजलास में। लेकिन इस बजट में है क्या, पिछले बजट से बजट कैसे मुख्तलिफ है, ऑरेंज लाइन के लिए इसमें बिलखसूस रकम मुख्तस की गई है, ये सारी तफसीलात आज ही के प्रोग्राम में। और फिर प्रोग्राम के आखिरी हिस्सों में हम बात करेंगे जो फवाद चौधरी साहब ये अब दावा कर रहे हैं कि साबिक हुकूमत ने बिलखसूस पंजाब हुकूमत ने जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स लगाए हैं वो दुनिया के महंगे तरीन पावर प्रोजेक्ट्स हैं, और उनका ऑडिट का हुक्म दे दिया गया है। मुफ्ती इस्माइल साहब इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते दिखाई देते हैं, और पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म जनाब लियाकत अली खान साहब की आज बरसी है, उनका जिक्र भी करेंगे कि 67 बरस बीत गए, आखिर उनके कातलों तक हम क्यों नहीं पहुँच पाए। शामी साहब, सबसे पहले आप चूँकि इस्लामाबाद तशरीफ रखते हैं और वजह मैंने बताई दी है कि आज APNS के एक वफ्द की जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात थी, आप लोगों ने मुबारकबाद भी दी, लेकिन जो अखबारी सनत को और मीडिया को मजमू तौर पर जो जिन बहरानों का शिकार है, चैलेंजेस का शिकार है, वो उस पर भी यकीनन गुफ्तगू हुई होगी, यहाँ से प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं। देखें, आल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी का वफ्द जो था उनकी जो मजलिस आमला है उसके सब अरकान पर मुश्तमिल था और एक बड़ा वफ्द था, और कोई एक घंटा जो है वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में इमरान खान साहब से तबादला ख्याल हुआ, और उस मौके पर उनके जितने भी जो महकमा इत्तलात के जो बड़े हैं वो सब मौजूद थे, यानी फवाद चौधरी साहब होंगे, सेनेटर फैसल जावेद होंगे, और नहीं सेनेटर फैसल जावेद, फिर उनके एडवाइज़र जो हैं इफ्तखार दुर्रानी साहब, फिर जनाब नए सेक्रेटरी बने हैं इत्तलात के शफकत जलील साहब जी, और उन्होंने अभी ओहदा संभाला है अपना, और हमारे फिर जो यूसुफ बेग मिर्ज़ा हैं वो भी एक टास्क फोर्स के चेयरमैन बन चुके हैं शायद, तो वो भी मौजूद थे, तो सारा उनका लश्कर जो था मौजूद था। तो असल में देखिए, इस वक्त मीडिया जो है वो बड़े क्राइसिस का शिकार है, जब और ख़ास प्रिंट मीडिया भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी। प्रिंट में तो यह है कि डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ, और उसके बाद यानी आप देखें कि महंगाई जो है वो उस पर शिद्दत अख्तियार कर ली, और न्यूज़ प्रिंट जो है उसकी कीमत में बहुत इजाफा हो गया, अखबारात को अपने सफात कम करने पड़े हैं, कीमत में इजाफा किया गया है, और इश्तहारात जो हैं सरकारी शोबे में भी बहुत कम हो चुके हैं और निजी शोबे में भी बहुत कम हो चुके हैं, कोई बिजनेस एक्टिविटी है नहीं, और लोग एक गैर यकीनी का शिकार हैं, ना कोई इन्वेस्टमेंट हो रही है, ना कोई शख्स अपना, ना कोई अदारा जो है वो अपनी मार्केटिंग कर रहा है, यानी एक बेयकीनी है मुसलसल, जिसके शदीद असरात मीडिया पर पड़े हैं, प्रिंट मीडिया पर भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी, और फिर वाजबात हैं जो ये हर हुकूमत जब ख़त्म हो जाती है उसकी जगह नई हुकूमत आती है तो वो उसके जो दिए गए इश्तहारात होते हैं उनका बिल अदा करने में लैतोलाल से काम लेती है, जबकि हमारा मौक़िफ़ यह है कि एक हुकूमत के इश्तहारात जो होते हैं दूसरी हुकूमत को उनकी अदायगी करनी चाहिए। तो ये इस तरह की सूरत-ए-हाल पहले भी दरपेश होती रही है, लेकिन आज भी है, अरबों रुपए जो हैं वो वाजिबुल वसूल हैं और हुकूमत जो है हुकूमत जो है हमने वसूल करने हैं, उनकी तरफ वाजिबुल अदा है, और हुकूमत जो है वो पल्ला नहीं पकड़ा रही। तो ये सारे मामलात थे, और इस वक्त आप देखिए 3 बड़ी जो एडवर्टाइजिंग कंपनीज हैं उनके जो सरबरा हैं वो इस वक्त नैब की गिरफ्त में हैं, और महीनों से वो गिरफ्तार हैं,
उसमें इनाम अकबर साहब हैं, गुलजार साहब हैं, मसूद हाशमी साहब हैं, ये बड़े यानी इनके अरबों रुपए का कारोबार है इनका, और ये तो सिंध हुकूमत के इश्तहारात के हवाले से इनको गिरफ्तार किया गया है। उससे भी एक हमारा पूरा जो है बाजार मुतासर हुआ है और हमारे पैसे फंसे हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें उनके सामने रखी और ख़ास तौर पर ये देखिए कि ये जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के मालिकान हैं इनके, इनको आपने गिरफ्तार करके क्या करना है? अगर रेफरेंस दायर करें, कई लोग ऐसे हैं जिन पर रेफरेंस दायर होता है उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, इन पर खास नजर करम हुई है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, इनका कारोबार मुतासर हुआ, इससे हम सब मीडिया मुतासर हुआ। शामी साहब, फिर ये बड़ी शिद्दत के साथ हमने सवाल उठाया, ये जो फिर मसाइल हैं प्रिंट को या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, इनकी आपने तर्जुमानी तो वहाँ की आपके एक बड़े वफ़द ने, तो फिर क्या इन मसाइल के ऊपर कान धरे हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने? कोई वो यकीन दहानी कराते हैं कि इन मसाइल को हल किया जाएगा और जो वाजिबात है वो अदा किए जाएंगे? हमीद हारून साहब APNS के सदर हैं, सैयद सरमद अली सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने हमीद हारून साहब ने बहुत तफसीली गुफ्तगू की खान साहब से, उनको बताया कि जो प्रिंट मीडिया है वो हुकूमत का मुखालिफ नहीं है, ये ना कभी उसने हुकूमत का मुखालिफ रहा है, उसकी वाबस्तगी जमहूरियत के साथ है, सिस्टम के साथ है, और इसलिए तो उनको मुबारकबाद भी पेश की गई उदा संभालने पर, और ये सारे मामला जो है इस तरफ तवज्जो दिलाई गई। खान साहब ने बड़े संजीदगी के साथ ये मामला इनको सुना और यकीन दिलाया कि इनमें कई मामलात का जायज़ा लिया जाएगा, उनको हल किया जाएगा, वाजबात की जो अदायगी है उस तरफ भी तवज्जो होगी, और फिर उन्होंने सियासी सूरत हाल पर भी रोशनी डाली। मैं इसी तरफ आ रहा था आपसे कि जो मजमूई तौर पर मुल्क जिन बहरानों का शिकार है, बिलखसूस जो इकोनॉमिक चैलेंजेस दरपेश हैं पाकिस्तान को, उस पर उनकी सोच आपने समझ आई कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या फिक्र है उनको इस मामले की? उनका कहना यह है कि मैंने किसी से इंतकामी का इंतकाम नहीं लिया, मेरी मुलाकात जो है यानी मीर इब्राहिम से हुई, मैंने उनको बताया कि हम मेरे दिल में कोई खटास नहीं है और मैं बिल्कुल मुझे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे ऊपर तनकीद होती है या नहीं होती है। लेकिन उन्होंने कहा जब यह कहा जाता है कि फौज के सहारे हम बरसर इक्तदार आए हैं, तो फिर एक तकलीफ होती है दिल को, और ये बड़ी खिलाफ वाकया बात है। हमने कई अशरे जिद्दोजहद की है, और ये जो दो पुरानी हुकूमतें थीं और दो पुरानी बड़ी पार्टियां जो थीं वो फौज की नर्सरी में उनकी परवरिश हुई है, और ये जो तहरीक इंसाफ है ये मैदानों में पली बड़ी है, इसने जिद्दोजहद किया है, जिद्दोजहद के जरिए इलेक्शन लड़े हैं और उनमें जीत इनकी इसकी हुई है। फिर उन्होंने कहा कि जो बाई इलेक्शंस हुए हैं वो उनमें उनकी शफाफियत पर कोई उंगली नहीं उठा सका, हमने किसी जगह भी उसमें मदाखलत नहीं की, हमारी इंतजामिया ने कहीं कोई यानी ऐसा काम नहीं किया जिस पर आप उंगली उठा सके, हर शख्स मान रहा है, और मुल्क की तारीख में पहली बार इस तरह के साफ सुथरे ज़िमनी इंतखाबात हुए, यह उनका नुक्ता नज़र था। फिर उन्होंने शदीद तनकीद की मुस्लिम लीग नून पर भी और पीपल्स पार्टी पर भी, और फिर उनका कहना यह था कि मेरा मुकाबला सियासतदानों से नहीं है, मेरा मुकाबला माफिया से है, और ये लोग लूटते रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे हैं, और 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग होती है हर साल, हम इसको रोकेंगे और हम ज़रूर एहतसाब जो है वो करेंगे, और ये जो अभी जाली बैंक अकाउंट मिल रहे हैं अरबों रुपए जो है पकड़े जा रहे हैं कराची में, उनको यकीन था कि ये 5-6 महीने जो है वो ये हालात कुछ खराब होंगे, फिर वो काबू पा लेंगे, और उनका ख्याल था कि जो गैर मुल्क ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो उनकी जो रिमिटेंसेस हैं उनमें उनकी तफसीलात ज़र में ही बहुत अजाफा हो जाएगा, अल्लाह करे ऐसा हो। उसी एक मद में हम बहुत जल्द यानी कई अरब डॉलर जो है वो अजाफा करा लेंगे, मतलब वो कॉन्फिडेंट थे, उनका ख्याल था। अच्छी बात है, अच्छी बात है। जो वज़ीर-ए-आज़म है मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को पुरएतमाद होना चाहिए और उम्मीद दिलानी चाहिए, और उनके पास यकीनन को प्लान होगा जिसकी वजह से वो इस हद तक पूरी उम्मीद है और कॉन्फिडेंट है, ये बड़ा इनकरेजिंग साइन है सर। जहाँ तक उनका अपने सियासी मुखालफों का ताल्लुक है, आप उनके बारे में जो भी कहें वो भी सियासी जमातें हैं और वो भी इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया है, तो बेहतर बात यह है कि जो कानून के मामलात कानून के सुपुर्द किए जाएं और सियासत के मामलात जो हैं उनमें जरा ठंडे दिल से बात। मैं अब आगे बढ़ रहा हूं शामी साहब, आगे यकीन दिलाया है, चले चले गुड लक कहूंगा मैं तो आप लोगों को भी, क्योंकि हम भी इसी से वाबस्ते हैं, हम सबको उतनी तशवीश हो रही है मामला जिस तरह चल रहे हैं। उनसे क्या
मैंने तो उनसे कहा कि अगर हम नहीं होंगे तो फिर कोई भी नहीं होगा। नहीं ये बात ना जमहूरियत होगी ना सियासत होगी। नहीं ये बात जब मीडिया नहीं होगा आजादी इजहार नहीं होगी और उसका और आजादी इजहार जो है उसका एहतराम नहीं होगा, अखबारात नहीं होंगे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं होगा तो फिर सब ये लुत्फ अंजुमन जो है ये तो किसी कोई लुत्फ इसमें नहीं रहेगा। फिर जमहूरियत ऐसे नहीं चल सकती आज़ाद मीडिया के बगैर। बिल्कुल बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर है डेफिनेटली एक डेमोक्रेसी का मीडिया जो है वाइब्रेंट मीडिया बिलखसूस। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी अहम खबर आज ये थी कि आशियाना हाउसिंग स्कैंडल आपको बताइए उसमें आज शहबाशिफ साहब को लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश किया गया है और 14 रोज़ा रिमांड में तौसी कर दी गई है। मोहम्मद इशफाक साहब जो हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं वो आज मौजूद थे एहतसाब अदालत में, बड़ी तादाद में कारकुनान भी मौजूद थे उनके इस्तकबाल करने के लिए शहबाशिफ साहब का, लेकिन वो एक बड़ी सी गाड़ी में आए अंदर जब लेके जाने लगे एहतसाब अदालत के धक्कम पेल हुई, कई साफी बाहर रह गए कई अंदर चले गए तो मामला फहमी हो नहीं सकी। तो इशफाक उन चंद लोगों में से एक हैं जो अंदर घुस गए और उन्होंने पूरी कार्रवाई देखी सुनी। तो शामी साहब उन्हीं से आगाज़ करें, पहले जान लेना हुआ क्या फिर ज़रा मैं आपकी तरफ आता हूँ। इशफाक साहब ये बताएं आज शहबाशिफ साहब को पेश किया गया, नैब ने क्या दलाइल दिए और शहबाशिफ साहब जब रोस्टम पर आए तो उन्होंने क्या गुफ्तगू की? जी बिल्कुल शुक्रिया जामी साहब। आज जब शहबाशिफ साहब को 10 रोजा जिस्मानी रिमांड के बाद दोबारा एहतसाब अदालत में पेश किया गया तो सबसे पहले नैब के वकील ने अदालत को यह बताया कि शहबाज शरीफ से गुज़श्ता 10 रोज में हमने तफ्तीश की है, शहबाज शरीफ के खिलाफ बेज़ाब्तियों का केस है। दौरान तफ्तीश ये बात सामने आई है कि लतीफ संत से मामला तय किए गए, लतीफ संत को 60 लाख रुपए कौमी खजाने से अदा किए गए और इस बेज़ाब्तियों का मकसद पैरागोन को नवाजना था। दौरान समाज शहबाज शरीफ नए प्रोसिक्यूटर के दलाइल पर नफी में सर हिलाते रहे और इस मौके पर एहतसाब अदालत के जज ने नए प्रोसिक्यूटर से कहा कि जो बातें आप कर रहे हैं ये सब हो चुकी हैं, आगे बताएं आगे आप क्या कर रहे हैं। इस पर नैब ने कहा कि इन्हें मजीद तफ्तीश की जरूरत है, लिहाजा शहबाज शरीफ को 15 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले किया जाए। इस दौरान शहबाज शरीफ के हाथ में एक पीले रंग का लिफाफा था जिसमें कुछ नोट पड़े हुए थे तो शहबाज शरीफ ने खुद रोस्टम पर अदालत से इजाजत मांगी कि वो कुछ कहना चाहते हैं तो शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं जो बात करूंगा वो हलफन करूंगा, मैंने मुल्क और कौम की दिन रात खिदमत की है और मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मुझे शर्मिंदगी हो। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो केस है ये तो मैंने खुद फ्रॉड पकड़ा था जिससे 90 करोड़ रुपए मैंने जो कंपनी थी जिससे हमने ठेका मंसूख किया उससे वसूल किए थे। उन्होंने ये भी कहा कि इस हवाले से जितना भी ये झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं मैं मेरिट पर काम नहीं कर रहा, मैंने कौम का लोग लूटा पैसा जो है वो मुल्क की हिदमत वापिस लिया है तो क्या हिदमत की, क्या मैंने ये गलत किया है। तो इस मौके पर शहबाज शरीफ के वकील ने ये कहा कि नैब इस मुकदमे में रिमांड मांग रहा है जिसका तमाम रिकॉर्ड पहले ही इसकी तहवील में है, लिहाजा अदालत नैब के इस दरख्वास्त को मुस्तरद करे। जिस पर एहतसाब अदालत के जज ने शहबाज शरीफ की जिस्मानी रिमांड में 14 रोज की तस्दीक कर दी और इसमें 2 रोजा राहदारी रिमांड की दरख्वास्त भी मंजूर की गई है जिसमें कल जो असेंबली का इजलास होगा शहबाज शरीफ उसमें शिरकत करेंगे। तो आज की जो समाअत हुई है इस मौके पर गुज़श्ता समाअत से मुख्तलिफ मनाज़र थे, पहले कारकुनान जो थे वो दरवाजे तक पहुंच जाते थे लेकिन इस मरतबा सिक्योरिटी इंतजाम इंतहाई सख्त किए गए थे, 2 किलोमीटर के फासले तक बैरियर लगा के नाकाबंदी की गई थी, किसी कारकुन को आगे नहीं आने दिया गया। अलबत्ता नैब की जानिब से नरम रवैया रखा गया था और शहबाज शरीफ की कमरा अदालत में हमदा शहबाज, सलमान शहबाज, राना सनाउल्ला, मलिक मोहम्मद अहमद खान समेत दीगर रहनुमाओं से उनकी तवील मुलाकात भी हुई जिसमें मरियम औरंगजेब भी शामिल थी और उस मुलाकात के बाद फिर जैसा की अदालत ने फैसला अनाउंस किया तो फिर शहबाज शरीफ को दोबारा नैब ऑफिस मुंतकिल कर दिया गया। ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद इशफाक साहब। शामी साहब आपने आज की समाअत का हाल तो सुन लिया तो शहबाशी साहब ये कहते हैं कि फ्रॉड तो हमने खुद पकड़ा, 14 दिन का रिमांड है, आमद नहीं है जी। अच्छा असल में तो देखिए सर बार बार कहा जा रहा है बेकायदगियां, भाई कोई फैसला गलत हो सकता है? असल में ये गलत फैसला कोई करप्शन नहीं होती, एक सेशन जज का फैसला हाईकोर्ट मुस्तरद कर देती है, हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट खत्म कर देती है, उसके बाद कार्रवाई नहीं होती जज के खिलाफ। तो इंतजामी इकदामात जब आप करते हैं उसमें गलत फैसले भी हो सकते हैं सही भी हो सकते हैं, अगर बाज़ फैसलों के नतायज खराब भी निकल सकते हैं बाज़ के अच्छे भी निकल सकते हैं। एक ये अलग कहानी है, ये जब मुकदमा चलेगा तो शहबाज शरीफ साहब अपना दिफा करेंगे। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि 14 दिन का रिमांड आज क्यों दिया गया,
ये 90 दिन तक नैब का लॉ जो है उसमें 90 दिन तक आप रिमांड ले सकते हैं, और उनकी अहलिया जो है तहमीना, उन्होंने बताया था कि वो 10x10 के एक कमरे में है जिसमें सिर्फ एक रोशनदान है और उसमें इसमें आप देखिए कोई हवा का गुजर नहीं है और रोशनी का गुजर नहीं है उस कमरे में। तो अब ये तो बड़ी सूरत हाल ये है कि इनको जो कौमी असम्बली में अब पेश किया जाएगा। तो असल में तो ये अब कल जब शहबाज शरीफ साहब जब आप पहुंचेंगे तो यकीनन वो माइक भी संभालेंगे अपोजिशन लीडर के तौर पर, तो कल फिर जो कौमी असम्बली के मनाजर होंगे वो देखने वाले होंगे और वहाँ पे जो उनकी तकरीर होगी वो भी काबिल गौर होगी, काबिल समात होगी, देखेंगे वो तब क्या अपना मत में नजर पेश करते हैं। अच्छा इस आज 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 फिर जो है ना उन्होंने जैसे जैसे जी 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 आप बात पूरी कर लें, प्रोडक्शन ऑर्डर का मतलब ये होता है कि पूरे सेशन में वो मौजूद रहे क्योंकि वो हेड ऑफ वो अपने इस वक्त हेड ऑफ अपोजिशन है, अपोजिशन के सरबरा है। तो आप देखते हैं कि स्पीकर जो हैं उनकी वहां जो हाजिरी है उसकी मुद्दत में इजाफा करते हैं या सिर्फ दो दिन के बाद उनको वापस भेज देते हैं, ये भी बड़ा अहम मामला होगा। कल देखते ये जो दस ये जो ऐसे कमरे की शिकायत की गई है जिसमें ना हवा का गुजर है ना रोशनी का, तो मेरा ख्याल कमेटी बनानी चाहिए कोई कौमी असम्बली को और वहां उस जगह का जाके मुआयना करना चाहिए जहां के लीडर ऑफ द अपोजिशन को रखा गया है और जहां इस तरह दूसरे मुल्जमों को रखा जाता है। ये कोई नाजी कैंप तो नहीं बनाने हमने यहाँ, ये तो एक बिल्कुल एक कानून के मुताबिक लोगों को तफ्तीश करनी चाहिए। मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ, मैं सुनाना चाह रहा हूँ आपको राना सनाउल्ला साहब और मरियम औरंगजेब साहबा का आज का बयान। ये शहबाज शरीफ साहब के मामले पर ही उन्होंने रद्दअमल का इजहार किया है, जरा देखिए वो क्या है। जाली मैंडेट की हामिल जो हुकूमत है ये मुल्क को इन इंतकामी कार्रवाइयों की वजह से जो है वो एक बहरान की तरफ ले जा रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है वो एक पार्लिमानी एहतजाज का जो फैसला किया है उसके मुताबिक कौमी असम्बली में भी और सूबाई असम्बली में भी भरपूर तरीके से इस गैर कानूनी गैर आइनी और इस सियासी इंतकाम के ख़िलाफ़ बदतरीन इंतकाम के ख़िलाफ़ ऐसा इंतकाम के जो बिल्कुल बौंडा है जिसका कोई रैशनल नहीं है जिसका कोई वजह नहीं है उसके ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज किया जाएगा। और अगर ये रुकावटों का और लोगों को इस तरह से ख्वार करने का ये सिलसिला जो है ये जारी रहा तो फिर ये एहतजाज जो है ये पार्लिमानी अंदाज से या असम्बलियों से जो है वो बाहर भी आ सकता है और फिर इसके ऊपर सड़कें भी गर्म हो सकती हैं। वो शख्स जिसने पंजाब की दिन रात खिदमत करके इस तरह का जो तरक्की दी मुल्क उसको पंजाब के लोगों को, लेकिन ये जो मैंने पहले कहा कि अगर इस तरह का रवैया रहा तो जल्द मौजूदा हुकूमत जो है वो कंटेनर की तैयारी करे। कंटेनर की सियासत कर सकती है नून लीग शामी साहब? देखिए सड़कों पर निकलेंगे, सड़कें गर्म होंगी, मौसम सर्द होने को है, ये सड़कें गर्म करने के चक्कर में नहीं नहीं सड़कें तो जो गर्म कर सकते हैं मुस्लिम लीग नून के पास भी कारकुन मौजूद हैं, लेकिन बुनियादी बात जो है वो ये है कि जितना भी वो अपना हुकूमत पर तनकीद करें नैब हुकूमत के मतहत नहीं है, नहीं है नैब इमरान खान साहब का मातहत अदारा नहीं है, बिल्कुल नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है और जिसके चेयरमैन जो हैं उनको पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मुत्तफिका तौर पर नामजद किया था, ठीक है ना। इसलिए ये बात मद्देनजर रखी जाए कि बाकी हुकूमत पर जो तनकीद भी चाहे करें लेकिन जब वो ये सारी कार्रवाई उनके खाते में डालते हैं तो फिर इंसाफ का तकाजा ये है कि यहाँ हकीकत भी वाज़ह कर दी जाए। बिल्कुल ठीक, मैं यहाँ एक ब्रेक ले रहा हूँ नाज़रीन, प्रोग्राम में ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर जिक्र होगा पंजाब सरकार ने जो आज बजट पेश किया उसमें उनकी तरजीहात क्या हैं और पिछली हुकूमत के जो पिछला आखिरी बजट था 2017-18 का उसमें तरक्याती बजट की मद में जो रकम रखी गई और जो मौजूदा हुकूमत ने रकम रखी उसमें कितना फ़र्क है, बड़े दिलचस्प कुछ हकायक एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, पंजाब असेंबली में आज बजट पेश किया गया बाकी 8 माह के लिए 2018-19 का। इस बजट के दौरान अपोजिशन ने खूब एहतजाज के प्रोग्राम के आगाज़ में मैं बता चुके आपका स्पीकर के डाइस का घेराव भी किया गया, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ नारे भी लगाए गए। बहरहाल सर बजट पेश हो गया, उस बजट में बुनियादी चीज़ें मैं डिस्कस कर लूँ आपको। सेहत के लिए 284 अरब, तालीम पर 373 अरब मुख्तस किए गए हैं,
اور پنجاب میں 3 اعلیٰ معیار کی یونیورسٹیاں بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ صاف پانی کی فراہمی اور نکاسی آپ کے لیے 20 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے اور ترقیاتی منصوبوں پر 360 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ مجموعی طور پر 2026 ارب روپے سے زائد کا یہ ٹیکس فری بجٹ ہے، جس کے خلاصہ ہم اگر بیان کریں تو شہباز گل صاحب جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی ہیں وہ ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ابھی پروگرام ان کو خوش آمدید کہتے ہیں لیکن ان پر جانے سے پہلے شامی صاحب، یہ آج جب ہاشم جوان بخش صاحب نے بجٹ تقریر شروع کی تو انہوں نے اپنے چھٹے نقطے میں کہا کہ یہ کاسمیٹک بجٹ پہلے پیش کیے جاتے رہے ہیں، اور انہوں نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی 2017-18 کی ایک رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جو پچھلا بجٹ تھا گورنمنٹ کا اس میں ترقیاتی پروگرام کی مد میں 635 ارب روپے کی رقم رکھی گئی تھی، جبکہ جو ایکچوئل اس کی یوٹیلائزیشن تھی وہ صرف 411 ارب روپے کی گئی، یعنی ایک تہائی سے زائد کا ترقیاتی پروگرام صرف کاغذوں کی حد تک محدود تھا۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم چاہتے تو ہم بھی اس طرح کا غیر حقیقی بجٹ پیش کر سکتے تھے، تاہم ہم نے اسے عوامی حقائق پر مبنی ایک بجٹ پیش کرنے کی کوشش کی، اور پھر یہ کہ جو بجٹ ہم نے پیش کیا اس میں مالیاتی نظم و ضبط کے لیے فسکل رسپانسبلٹی اینڈ ڈیبٹ مینجمنٹ لاء متعارف کروایا جا رہا ہے تاکہ اس کی نگرانی کی جا سکے۔ آپ کچھ کہیے گا اس پہ، پھر اس کے بعد ہم گل صاحب سے بات کرتے ہیں۔ دیکھیں اصل میں یہ جو پرابلم یہ ہے کہ جو ڈیولپمنٹ بجٹ رکھا جاتا ہے وہ اسکیمیں مکمل نہیں ہو پاتیں، بعض اوقات شروع نہیں ہو پاتیں، یہ ہماری بیوروکریسی کی جو کیپیسٹی ہے یہ اس کا معاملہ ہے، اور اکثر یعنی وفاقی بجٹ میں بھی اور صوبائی بجٹ میں بھی ہر صوبے میں ایسا ہوتا ہے کہ مکمل جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ خرچ نہیں ہو پاتا، یا پھر ایک مت کا خرچ دوسری مت میں کر لیا جاتا ہے۔ ہر حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے لیکن جب سال کے آخر میں پھر اپنی بغلیں جھانکنے لگتی ہے۔ تو اب جو ہاشم صاحب نے جو بات کی ہے، دیکھیں گے کہ اس بجٹ کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں جو زیر تکمیل منصوبے ہیں وہ جلد از جلد مکمل کیے جائیں۔ نہیں، اورنج لائن پہ رکھ دیا، انہوں نے 33 ارب روپیہ رکھ دیا، مختص کر دیا، درست ہے، ایک تیز رفتاری کے ساتھ یہ منصوبے مکمل ہونے چاہیے۔ باقی تو دیکھیے، اس وقت تو آج ہنگامہ تو سیاسی تھا کیونکہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور نیب کی وہ اس وقت تحویل میں ہے، تو اس پر غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا تھا، تو یہ ہنگامہ مچانے اور ہنگامہ اٹھانے کا جو سنت پی ٹی آئی کی اپنی ہے وہ اسی کو اس کا سامنا کر رہی ہے۔ چلیے انجوائے کریں دونوں، اپوزیشن بھی اور گورنمنٹ بھی۔ چلے آپ ذرا بجٹ پہ بات کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر شہباز صاحب، جی ڈاکٹر شہباز گل صاحب جو ہیں لائن پر موجود ہیں، وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی ہیں۔ چلیے، یہ حالیہ دنوں میں اپوائنٹمنٹ کے عمل میں آئی ہے، عثمان بزدار صاحب، جی جی ان کے ترجمان ہیں جی، اور ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے نوجوان کہہ لیجئے، یا اب میرے خیال نوجوان بھی کہا جا سکتا ہے ان کو، کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے۔ نہیں، وہ آپ کے اس جملے پہ یہ میرے خیال ان کے لیے کمپلیمنٹ ہی ہے، خوشی ہوئے ہوں گے وہ۔ گیل صاحب کیسے ہیں آپ جی؟ السلام علیکم۔ میں بہت ٹھیک ہوں جی، بہت شکریہ شامی صاحب، آداب عرض ہے، اور جامی صاحب آپ کو بھی سلام میری طرف۔ ماشاءاللہ جی، خوش آمدید، اللہ تعالیٰ جناب آپ کو خوش و خرم رکھے۔ بتائیے آپ کیسے دفاع کر رہے ہیں آپ پنجاب حکومت کا اور عثمان بزدار صاحب کا، دیکھیں گے۔ دیکھیے تو آج بجٹ جو ہے اس میں کیا ایسی بات ہے جس پہ آپ فخر کا اظہار کر سکیں؟ جی، میں سب سے پہلے تو آپ کو بڑی آنیسٹی کے ساتھ ایک بات بتاتا ہوں، پولیٹیکل گیمک سائڈ پہ رکھ کے، جی رات 2 بجے تک ہمارے جو ینگ اور بڑے ہینڈسم ماشاء اللہ وزیر خزانہ ہیں پنجاب کے، وہ رات 2 بجے تک اپنی تقریر تیار کر رہے تھے۔ ان کے پاس ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ فائنانس منسٹری میں، میں آپ کو آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں، یہ فائنانس منسٹری میں بہت سارے لوگ، بیوروکریٹس بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پر یقین کیجئے میں آپ کو پوری ایمانداری سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ ایک ایک لفظ اس تقریر کا انہوں نے کوئی 10 دفعہ نہیں بلکہ 20 دفعہ ایڈٹ کیا ہوگا۔ 5 hours ہی ورکڈ آن ہز اسپیچ بائی ہم سیلف اور ساری ایڈیٹنگ کی۔ تو ایک تو خوبصورت بات یہ ہے کہ منسٹرز اب ایسے لگائے جا رہے ہیں، پولیٹکس سے ابب ہو کے بات کرنی چاہیے کہ جو اپنے کام کو سیریس لے رہے ہیں اور پروفیشنلی اس کام کو کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں وزیر خزانہ کو اس چیز کی مبارکباد بھی دے رہا ہوں، اور میں خوش ہوتا ہوں کہ میں ایسے کولیگ کے ساتھ کام کر رہا ہوں، اور چیئرمین صاحب کی ایسی اچھی چوائس ہے عمران خان صاحب کی۔ آپ یہ بتائیے کہ جو وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب، وہ بھی اسی طریقے سے کام کرتے ہیں جیسے ان کے وزیر خزانہ کر رہے ہیں؟
जी देखिए शामी साहब, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि कल उन्होंने 50 से ज्यादा एमपीएस को वो फर्दन फर्दन मिले हैं, जो कल का दिन था, 50 अच्छा। से ज्यादा, और चार मीटिंग्स लंबी उन्होंने चेयर की हैं। मीटिंग्स में उकताते नहीं हैं, बात सुनते हैं। फिर प्रॉब्लम ये कि हम जो, मैं भी इस सेंटर से हूँ, पंजाब से, हम लोग थोड़े एग्रेसिव हैं, हमें ऐसे लोग पसंद आते हैं, उस्ताद भी ऐसे पसंद आते हैं जो क्लास में पीछे खड़ा करते हैं आपको, थानेदार ऐसा पसंद आता है जो थाने में घुसने ना दे, ब्यूरोक्रेट ऐसा पसंद आता है, चीफ मिनिस्टर ऐसा पसंद आता है कि जो लोगों को कहीं भी मौतल कर दे। ये है साउथ के, और जो साउथ का वसेब है वो नॉर्मली पोलाइट है, सॉफ्टर है, हम्बल होते हैं। मसलन एक बात जो बुज़दार साहब कई दफा स्ट्रगल करते हैं, वो ये कि अगर उनके पास कोई भी शख्स मिलने आता है तो वो कहते नहीं उनको कि अब आप उठ के चले जाइए, मीटिंग का टाइम खत्म हो गया है। वो बहुत ही हम्बल है इसमें। तो ये साउथ का कल्चर है जिसको मिस, मगर ये काम तो आपको करना चाहिए ना। आपको ये काम करना चाहिए कि उनको बताएं, वक्त जाया ना हो। वो मैं ही करता हूँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये कि ही इज वेरी हार्डवर्किंग, वेरी हार्डवर्किंग। उनकी जो पॉलिटिकल सेंस है वो बहुत ही तेज है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आज मैं उनके साथ कोई 2-3 पॉइंट्स डिस्कस कर रहा था काबीना की, जो उनकी मीटिंग थी उसमें जो उन्होंने स्पीच करनी थी, और उसके बाद जब उन्होंने काबीना में स्पीच की तो वो जस्ट 2-3 पॉइंट जो हमने डिस्कस किए थे उनको उन्होंने विद इन 5-10 मिनट जिस तरीके से उसको एक्सटेंड किया, दैट वॉज इम्प्रेसिव फॉर मी एज वेल। क्योंकि मैंने भी जब उनके साथ काम शुरू किया तो उससे पहले मैं एक इमेज मीडिया से उनका ले चुका था, मीडिया ने जो उनका इमेज दिया था। आप शहबाज साहब, आप शहबाज गिल हैं, उधर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनका मसला पैदा कर दिया है आप लोगों ने, तो इसको हल करने में क्या मुआवनत कर सकते हैं आप? मैं तो ये मुआवनत कर सकता हूँ कि मैं दुआ कर सकता हूँ शहबाज उनके साथ। भाई आप अपने अपने नेम सेक जो हैं, अपने नेम सेक जो हैं उन्हीं की, उसी को लाज रख लीजिए। जी मैं बिल्कुल, मैं अपने नाम की, शहबाज जलंधर की बिल्कुल लाज रखूंगा, और ऐसा कोई काम नहीं कर, कोशिश करूंगा अल्लाह के हुक्म से कि मैं ऐसा कोई काम ना करूं कि मेरे साथ वो हो जो मेरे ये दूसरे मोहतरम शहबाज साहब के साथ हो रहा है। दुआगो हूँ ये हूँ कि अल्लाह मियाँ इंसाफ का बोलबाला करे, और जो सच हो वो शहबाज शरीफ साहब के केस में सामने लेके आए। अच्छा गिल साहब ये मैं बजट पे आता हूँ अब, क्योंकि बात शामी साहब ने जो सूबाई गवर्नेंस उस पर शुरू कर दी, तो ये फरमाएं कि कई ऐसी वजारतें हैं, मिसाल के तौर पर वजारत खुराक अगर हम नाम ले लें तो मुशीर भी हैं और वजीर भी हैं, ये क्या मंतक हुई सूबाई लेवल? देखिए हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए कुछ ऐसी वजारतें हैं जिसमें अभी आपको शायद इसमें हमारी स्ट्रेटजी नजर नहीं आएगी, लेकिन आने वाले वक्त में जो इस्लाहात ला रही है तरीके इंसाफ, उसमें आप देखेंगे कि हम बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को एक दूसरे से अलग करेंगे। ये जो हमारा 100 रोजा प्लान की कल कॉन्फ्रेंस थी, इसमें भी ये बातें डिस्कस हुई कि बहुत सारी चीजें हमने इकट्ठे की हुई हैं, जैसे आज भी हमारे फिर वो ये तो वजीर साहब जो हैं वो डेडिकेटेड है ना इस पोस्ट के लिए, खुराक के या किसी भी शोबे को डील करने के लिए, तो मुशीर की फिर क्या जरूरत रह गई? वजीर पे आपको एतमाद नहीं है? एग्जांपल देता हूँ जामी साहब, आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आपको शायद मैं बेहतर एक्सप्लेन कर सकूंगा इस एग्जाम्पल से। जैसे जो खसूसी तालीम के स्कूल हैं वो नॉर्मल तालीम के साथ ही कहीं पे उनकी सैलरीज और दूसरी चीजें लिंक की हुई थी, तो आज जो वो मशीर थे वो कह रहे थे आज कबीना की मीटिंग में कि जनाब इसको अलग किया जाए। ऐसे ही खुराक के जो मामलात हैं वो भी आप देखें कि उसमें बहुत सारे डिफरेंट मामलात हैं। लेकिन वो आपकी तौजीहात बिल्कुल दुरुस्त होंगी, समझ भी आती है, इस पे क्या एतराज किया जाए, लेकिन ये तो वो ये मेरी गुजारिश सुने ना गिल साहब गुजारिश सुने, ये वो नुक्ते थे या ये वो एतराजात थे जो आप हुकूमत में आने से पहले जलसे और जुलूसों में और धरनों में और टीवी चैनल्स पर बैठकर पुरानी गवर्नमेंट के ऊपर, बड़ी कैबिनेट वुजरा और मुशरा की बड़ी बड़ी फौज की लफ्ज़ इस्तेमाल आप करते थे कि ये अपने मनपसंद लोगों को नवाजा जा रहा है, वोट बैंक मजबूत किया जा रहा है, ये तो आप लोगों की अपनी कैंपेन थी जिसकी वजह से फिर हम आज सवाल पूछते हैं कि आप भी तो उनके फुटस्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, फर्क क्या हुआ फिर? जामी साहब आप बहुत अच्छे सवाल पूछते हैं और हमें ये सवाल पसंद है क्योंकि ये मुद्दे हम उठाते थे और हम इनका वाकई जवाब देना चाहते हैं। देखिए नंबर ऑफ पीपल कभी भी प्रॉब्लम नहीं होता अगर वो रिक्वायर्ड हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके प्रोग्राम के फॉर्मेट के लिए अगर एक तीसरा बंदा वाकई रिक्वायर्ड हो और वो हायर किया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब लोगों को बगैर सवाल ही ले शामी साहब के होते हुए अब मुझे तीसरे बंदे की क्या जरूरत है? सही फरमा रहे हैं। तो मेरे नहीं। मतलब कि जब यूएस प्रेसिडेंट आता है ऑफिस में जामी साहब, तो वो 6,500 लोगों को अपॉइंट करते हैं,
तो अपॉइंटमेंट्स करना प्रॉब्लम नहीं, अगर वो लॉ के अंदर हैं, अल्ले तलल्ले नहीं चल रहे, अगर वहां पे फॉर एग्जांपल जो हमारे चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट का खर्चा था शहबाज शरीफ साहब के जमाने में, ये नंबर उनकी गवर्नमेंट के हम नहीं दे रहे, रोजाना का खर्चा 55 लाख रुपए हर महीने का खर्चा था उनका, 55 लाख एक महीने का। अभी बुजदार साहब का जो खर्च है वो एक महीने का 9 लाख रुपए एक महीने का जी, 55 लाख रुपए महीने का खर्चा शहबाज शरीफ साहब एज अ चीफ मिनिस्टर करते थे, और बुजदार साहब का वो खर्चा, इसका मतलब ये था जी जी नहीं तो 55 लाख उनका स्टाफ ज्यादा था, उनका स्टाफ ज्यादा होगा। ये तो अब मैं एग्जांपल देता हूं कि मैं आज तो मैंने बहुत अच्छा खाना खाया, आज तो मैंने बहुत अच्छा खाना खाया, एक दोस्त ने मुझे बुलाया हुआ था, जैसे एक दिन आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने बहुत अच्छा खाना खिलाया था और मैं बड़ा मशहूर हूँ उसके लिए, बड़ी मुद्दत के बाद मुझे वो साग खाने को मिला जो आपने खिलाया था उस दिन। लेकिन ये कल मैं ऑफिस में था सारा दिन तो मैं खाना नहीं खा सका, तो 8-9 घंटे के बाद मैंने अपने असिस्टेंट से पूछा कि भाई यहाँ को खाने का इंतजाम है, उसने कहा जी जब आप लोग नहीं आए थे तब तक तो यहाँ लंच भी होता था डिनर भी होता था, ये आपका अपना बेड़ा गर्क किया हुआ है जो आपने हमारा किया था, अब साथ साथ आपका भी हो रहा है। तो ये यहाँ पे बड़े अच्छे अनवा के खाने होते, माशाल्लाह आपको अल्लाह ने बहुत दिया, अपने खाने का इंतजाम कर लिया करें, ऑस्टेरिटी की ड्राइव को प्रैक्टिकली आप निभाएं, अच्छी बात है। लेकिन हम तो आपके उन नारों का जिक्र कर रहे थे जो आप पिछली गवर्नमेंट को ताने देते थे, फौज जफर मौज के, तो वो ठीक हो गया। चले बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला जनाब आपके दोस्त, अल्लाह ताला शहबाज गिल साहब के दोस्तों को सलामत रखे जो इनको खाना खिलाते रहे ताकि फिर इनके पैसे बचे रहे जी। इंशाल्लाह 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 जी, बहुत शुक्रिया जी गिल साहब आपके वक्त का। हुकूमती तरजीहात, बजट और जो इस्लाहात हैं उन पर तफसील से उन्होंने अपना नुक्ता नज़र बयान किया, उनका जल्द आपको तब्दीली नज़र आएगी। ये जो लोग रखे जा रहे हैं ये किसी मकसद के लिए रखे जा रहे हैं, अभी नज़र नहीं आ रहा आपको उनकी अपॉइंटमेंट के जो समरात हैं मुस्तकबिल नज़र आएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, वेलकम बैक नाज़रीन। शामी साहब, ये जो बनीगाला में तजावुज़ा से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में एक अहम केस ज़ेर समात है, आज उस केस की समात हुई है, तो मौजूद चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये फरमाना था कि इमरान खान साहब का घर पहले रेगुलराइज होगा तो बाकी घर भी होंगे, और उन्होंने कहा कि ये मसला जब तक रेगुलराइजेशन का हल नहीं होता तब तक नई इमारतें वहाँ तामीर करने की इजाज़त भी नहीं दी जा सकती, और फिर उन्होंने कहा कि ये उनके इस बयान को सियासी ना समझा जाए क्योंकि इमरान खान के बाद बाकी शहरियों को अपनी तामीरात रेगुलराइज करवाने का कहा जाएगा, और एक कमेटी तश्कील दी है उन्होंने, उसका हुक्म दिया है कि ये कमेटी वहाँ पे जितने भी तजावुजात उनको रेगुलराइज करने के लिए अमली इकदाम उठाए। ये बड़े अहम रिमार्क्स हैं मौजूद चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इस बनी गला तजावुजात केस में जी। नहीं नहीं, वो चीफ जस्टिस साहब तो ये भी कर सकते थे ना कि अगर ये यानी नक्शे के बगैर मंजूरी के बगैर बनी हुई इमारतें हैं तो इनको गिराने का हुक्म भी दे सकते थे, उन्होंने तो एक रास्ता दे दिया है, अब इमरान खान साहब को चाहिए जल्दी इससे फ़ायदा उठाएं। अभी तो हमारे एक व्यूअर हैं, कई दफ़ा फ़ोन कर चुके हैं, अनवार आवान साहब, वो कहते हैं एमनाबाद तहसील सदर गुजरांवाला में सैकड़ों घर मिसमार कर दिए हैं ये तजावजात के नाम पर, 40-40, 50-50 साल से लोग बैठे हुए थे, अब वो भी अगर आप एक तरफ कहते हैं मकान बना के देंगे, दूसरी तरफ जो बेचारे किसी सरकारी ज़मीन पे अगर कोई बैठे हैं 40-50 साल से उनसे पैसे ले लीजिए, दो दो तीन तीन मरले के मकानात उनको आप गिरा रहे हैं, तो ये एक तरफ आप उधर रेगुलराइज हो रहे हैं, बनी गाला के मकानात रेगुलराइज हो रहे हैं और इन बेचारों के घर गिराए जा रहे हैं। और नहीं तो फिर बाकी जो वो बात आपकी ठीक है, सोल्यूशन बहुत उम्दा है, लेकिन बाकी जो तजावजात हैं फिर जो इंक्रोचमेंट हुई है दुकानें थड़े दीगर मामला वो भी फिर लोग ये कहेंगे कि आप इनसे पैसे ले रहे हैं, वो कहेंगे ना कि जी आप इनसे पैसे ले रहे हैं हमसे भी ले लें और जान छोड़े। ओ भाई मेरे, अगर कोई दो मरले तीन मरले में बैठा हुआ है आप तो फिर उसका मामला तो और है ना, अगर उसने कब्जा करके बिल्डिंगें बना ली है पलाते बना लिए हैं तो उनका तो मामला और है, मैं तो इन बेचारे गरीब लोगों की दुहाई दे रहा हूँ, और उसके आप फौरन जो सरमायादारों के को दरमियान में बीच में लेके आ गए, और आप देखें कि वहां भी कहते हैं मोटरवे जो लाहौर सियालकोट मोटरवे है वो इस इलाके में एक्सटेंड हो रही है उसके पैसे नहीं दे रहे लोगों को, उसके मार्केट प्राइस के मुताबिक लोगों को हक नहीं मिल रहा, तो ये जो हमारे अभी तो हमारे हाथ से निकल गए शहबाज गिल साहब
وہ ان کو کہیں وہ بھی اس طرف توجہ کریں اور عثمان بزدار صاحب بھی کریں توجہ ذرا. ٹھیک ہے وہ. اچھا جی دوسرا ایک بڑا اہم معاملہ تھا آج کا ہمارا موضوع. پاکستان کے پہلے وزیر اعظم جناب لیاقت علی خان صاحب کی آج برسی ہے 67 برس بیت گئے ان کی شہادت کو. 16 اکتوبر 1951 راولپنڈی میں جلسے کے دوران انہیں فائرنگ کر کے قتل کیا گیا, شہید ہوئے وہ, اور 1948 کو وزیر اعظم بنے. شامی صاحب ایک تو ان کی شخصیت پر آپ سے ہم سننا چاہیں گے, اور دوسرا ذرا یہ سوال پہلے آپ جواب دے دیں کہ ایک اتنے برس بیت گئے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کے قاتلوں کا سراغ ہم نہیں لگا سکے, ہم نے کیا کرنا ہے باقی پھر؟ نہیں نہیں اب یہ تو قصہ ماضی ہو چکا نا, آپ کہاں سراغ ملے گا. اصل بات یہ ہے کہ لیاقت علی خان جو ہیں وہ تحریک پاکستان کے دوسرے بڑے لیڈر تھے قائد اعظم کے بعد. مسلسل کئی سال سیکرٹری جنرل رہے اور پہلے دن مسلم لیگ میں شامل ہوئے, آخر تک مسلم لیگ کا حصہ رہے. بہت بڑے ذمہ دار تھے, جاگیردار تھے, دو ضلعوں پر ان کی جاگیر تھی. اور وہ جب یعنی جب علی گڑھ میں پڑھنے کے لیے آئے تو باقاعدہ ان کے لیے کوٹھی کرا لی گئی وہاں, تاکہ وہاں رہ کے وہ تعلیم حاصل کر سکیں. اور جب پاکستان بنا سب کچھ چھوڑ کے یہاں آ گئے اور کوئی کلیم داخل نہیں کیا, اور اپنی کوٹھی جو دلی کی تھی وہ حکومت پاکستان کو گفٹ کر دی. آج بھی وہاں ہمارا سفارت خانہ ہے وہاں, اور سفیر پاکستان کی رہائش گاہ ہے. تو یہ, اور پھر انہوں نے لیاقت علی خان کو جب قتل کیا گیا تو وہ جو شخص اس کو پکڑ لیا تھا قاتل کو, وہ ایک افغان باشندہ تھا, ایک قابو کر لیا گیا اس کو, لیکن پولیس والوں نے اس کو پکڑے ہوئے شخص کو گولی مار کے ہلاک کر دیا. اور اس طریقے سے آپ سمجھیے کہ یہ قتل جو ہے تاکہ اس پہ چادر چڑھ جائے اور اس پہ راز جو کا کھلے نہ, اور لیاقت علی خان رخصت ہو گئے. ان کے جو سیکرٹری ہیں نواز صدیق علی خان, انہوں نے لکھا ہے کہ اس کی جیب میں بہت سارے پیسے بھی موجود تھے جو قاتل تھا, اس سے معلوم ہوتا ہے اجرتی قاتل تھا. اور ان کے اور کئی روز سے نواب صدیق علی خان لکھتے ہیں کئی لوگ سے کئی دنوں سے خطوط موصول ہو رہے تھے دھمکی آمیز ان کو, اور وہ اور بھیجتے تھے وہ متعلقہ حکام کو, اور وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ایسے ہی ہیں, کل گمنام خاتے ہیں, کوئی احتیاطی تدابیر جو ہیں اختیار نہیں کی گئی, کوئی سیکورٹی ان کی ٹائٹ نہیں کی گئی. اور وہ خود بھی کہتے تھے کہ جو موت جو ہے جب جس دن آنی ہے اس دن آئے گی. اور اس طریقے سے لاپرواہی ہوئی اور پاکستان اپنے ایک بہت بڑے فردان سے محروم ہو گیا. کوئی ان کی زندگی میں کلیم داخل نہیں ہوا. ابھی ان کے پوتے اور ان کے بچے, ان کے پڑپوتے ابھی ان کو وہ اب زمین کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں. لاہور میں ان کو کچھ تھوڑی سی زمین ملی تھی, وہ بھی کینسل ہو گئی. وہ بھی ان کو کہا گیا جو صحیح آپ کے کلیم کے اگینسٹ نہیں مل سکتی. کوئی اس پر بھی تو غور کرے نا. یہ بھی بزدار صاحب کو توجہ دلاتے ہیں, ہم کے بزدار صاحب اس پر توجہ کریں. بالکل ٹھیک. اچھا سر وقت کام ہے, سارے کام بزدار صاحب کریں گے. ظاہری بات ہے پنجاب میں حکومت نہیں کی, وہی کریں گے, وہ کر لیں ایک ہی بات ہے. اچھا وقت کم ہے, آپ آج اسلام آباد بیٹھے ہیں, کل آپ سیالکوٹ گئے ہوئے تھے, خیریت تھی؟ کل یونیورسٹی آف سیالکوٹ جو ہے بہت بڑی یونیورسٹی بن گئی ہے وہاں ماشاءاللہ, اور 4000 اسٹوڈنٹس وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. وہاں ایک بڑا فنکشن تھا. یہ تو گجرات یونیورسٹی کیمپس ہے نا وہاں پہ معاشرے میں. نہیں اب وہ یونیورسٹی آف سیالکوٹ ہے. اس کے چیئرمین ہیں فیصل منظور صاحب, اور اس کے جناب وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر اعجاز قریشی صاحب, بڑے سینئر ایجوکیشنسٹ ہیں. اور بڑا دل خوش ہوا, بہت اس وہاں غیر سکھ تھے, کرسچنز تھے, ہندو تھے, اور سارے لوگ جو ہیں وہ امن کے ساتھ, امن کی جو افادیت ہے اس پر تقریریں کر رہے تھے اور اس پر زور دے رہے تھے. اور ایک بھائی چارہ جو ہے اس کی فضا وہاں قائم تھی, اور ایک بڑا ایک اچھا وقت وہاں گزرا اور طبیعت بہت خوش ہوئی. چلے اب وقت پروگرام کا ختم ہو رہا ہے, میں ایک اور اعلان کر دوں. ابھی تازہ خبر ہمیں دی پاک بحریہ سے دوستوں نے کہ یہ فلیٹ ٹینکر جو ہے پی این ایس معاون, یہ پاکستان بحریہ کے فلیٹ میں شامل کر دیا گیا. یہ پاک چین دوستی کی ایک روشن مثال اور دلیل ان کے تعاون سے تیار کیا گیا. 1700 ٹن فلیٹ ٹینکر ہے,
پی این ایس معاون جو پاکستان نیوی ڈاک یارڈ میں منعقد ایک تقریب میں صدر مملکت بھی وہاں موجود تھے، چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل ظفر محمود عباسی بھی موجود تھے۔ یہ میری ٹائم آپریشنز انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے جی، اور سمندر میں موجود پاک بحریہ کے دیگر جہازوں کو تیل اور دیگر فوجی ساز و سامان کی فراہمی کی سہولیت رکھتا ہے، دو ہیلی کاپٹر اس پر لینڈ کر سکتے ہیں۔ بڑا اچھا یہ اضافہ ہے پاک بحریہ کے فلیٹ میں، امید ہے اس سے ہماری جو میری ٹائم سیکیورٹی اس کو فائدہ پہنچے گا۔ ان کو مبارک ہو، ہم سب کو مبارک۔ میں سمجھا بحریہ تو ان کے فلیٹ میں داخل ہو گئے ہیں، ہماری بحریہ جو ہے اللہ اس کو سلامت رکھے۔ اس بحریہ سے بحریہ ٹاؤن جو ہے اس بحریہ میں کچھ داخل ہوتا ہے محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ چلے ٹھیک ہے، پھر صحیح۔ ہمیں تو ملک ریاض صاحب جو ہیں ان کا دھڑکا لگا رہتا ہے ہر وقت، ان کی بھی دعا گو ہیں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے، آمین۔ جی جی، بریک کے فلیٹ میں بھی کوئی اضافہ کر دے امکان نہیں۔ ایک یہاں پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ملاقات ہوگی کل، تب تک لیے اللہ حافظ۔